नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो कि कवर्धा से है, जहां बस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ से बेमेतरा से आ रही थी ये बस जो की पलट गई है। कुकदूर थाना इलाके के हनुमंत खोल के पास ये हादसा हुआ है। घायलों का कुकदूर स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज और ड्राइवर की लापरवाही से हमला होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 15 घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ से बेमेतरा आ रही थी बस जो कि पलट गई है। कुकदूर थाना इलाके के हनुमंत खोल के पास ये पूरा हादसा हुआ है। घायलों का कुकदूर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है, ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हमला होने की आशंका। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता सतीश तंबोली फोन पर जुड़ रहे हैं। सतीश, क्या वजह थी, किस वजह के चलते ये पूरा हादसा हुआ, क्या ड्राइवर की लापरवाही थी जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए? जी, दरअसल जो घायल हुए हैं उनसे बातचीत करने पर यह पता चला कि सुबह का वक्त था और जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चलाता था, उसको झपकी नींद आ रही थी, तो इसलिए जो है अपने सहयोगी को उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए दे दिया था। गाड़ी चलाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है, और पलटने के बाद जो उसमें यात्री जो बैठे हुए थे, कुछ एक दो यात्री गाड़ी में दब गए, एक की मौत हो गई, बाकी जो घायल हो गए हैं जिन्हें तत्काल रूप से कुकदूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो 15 यात्री के घायल होने की खबर आ रही है, जिसमें 7-8 जो ऐसे यात्री हैं जिनको कहीं ना कहीं से फ्रैक्चर हो गया है, बाकी को छुटमुट चोट आई हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सतीश आपका बहुत शुक्रिया।